छोड़ना भी आई थिंक वाइफ के लिए मतलब सोच के आपका कितना अच्छा लगता है, अच्छा भी मालूम होता है ना आपको कोई मतलब ऐसा इस नजरिए से कोई देख रहा है कि जी मेरी वाइफ पे भी ये चीज अच्छी लग सकती है, खुशी की बात होती है ना, बहुत अच्छा मालूम होता है। और जब लोग हस्बैंड वाइफ की तारीफें करते हैं, वाइफ के लिए कुछ सोचते हैं, तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। सही कह रही है जी। चले जी कॉल लेनी शुरू करते हैं रूबी शकील के लिए। जो क्वेश्चन करना है आप कीजिए। कौन? शहनाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शायस्ता, क्या हाल चाल है लोधी साहब? ठीक ठाक का शुक्र, आप सुनाइए शायस्ता। माशाल्लाह आजकल मैं यही सोच रही थी कि इतने प्यारे ड्रेस कहाँ से आ रहे हैं शायस्ता के पास, कहाँ से आ रहे हैं? ये मेरा खजाना है, खजाना यहाँ बैठा हुआ है। भेज दिया करो अल्लाह की बंदी। अच्छा वो जो परसों आपने पहना था ना डार्क ब्राउन, जी अल्लाह गजब धा रहा था तुम्हारे भी शायस्ता, बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं कहती हूँ रूबी शकील से बात कर सकती हूँ? जी जी श्योर जी। अस्सलाम रूबी शकील जी। वालेकुम अस्सलाम रूबी। आपने शायस्ता को ऐसा कर दिया जैसे कि एक मुजस्मे पे जो चीज चढ़ा दी जाए ना तो फिट आती है। नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये खुद बहुत खूबसूरत है और ये बड़ी अच्छी तरीके से कैरी करती है कपड़े, ऐसी बात नहीं है। ये खाली कपड़ों का खेल नहीं है जी, पहनने वाले का भी खेल है सारा। लगती है माशाल्लाह शायस्ता पे, आज देखे कपड़े पहन के जो बैठी ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। कपड़ों की बात है कपड़ों की, ये देखे उठ के दिखाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखे दिखाएं आप। जी जी उठ के मैं दिखाती हूँ, ये देखे। चलो जी ये मॉडलिंग हो रही है, मॉडलिंग कर ली मैंने आपके लिए लोधी साहब। हैं कराची में कहाँ पर आपका बुटीक है? बहुत कराची में, मैं आपको बताती हूँ कराची के लोग या पाकिस्तान से किस तरह से लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने है, आपने जिस सूट को अभी ऑर्डर करना है या इवन आप कुछ इसके बारे में इसकी प्राइस कोड पूछना चाहते हैं या कोई जी, बिल्कुल तो वो भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन जो आपने दो दिन पहले पहना था डार्क ब्राउन, मुझे तो वो बहुत पसंद आया था। बस ईद पे ले लें आप, वही मियां से बोले वही बनवा के दे, गिफ्ट दे दो मुझे। मैं ले भाई आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट हैं रमजान में, लेकिन जोड़े ही हैं वो हम आपको रिवील करेंगे कुछ दिन में। थैंक यू सो मच। ठीक है थैंक यू वेरी मच शहनाज जी, अल्लाह हाफिज जी। फौरन जी नरगिस की। अच्छा जी सलाम अलैकुम पिंडी से। सलाम अलैकुम नरगिस। मैं खाबू के साथ। हाय थैंक यू, आपने तो मेरी टैगलाइन बोल दी। आपको मालूम नहीं मैं आपका प्रोग्राम कितना रेगुलरली देखती हूँ। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आज रूबी शकील बहुत अरसे बाद आज की कॉल लगी है, इतने दिन से आपसे पूरा आपका समर कैंप सोच लें कोई गिफ्ट नहीं मिल सका, लेकिन बात भी नहीं हो सकी, दुख ज्यादा बात ना होने का था। चले अब इंतजार करें, हम ईदियाँ भेजेंगे आपको इंशाल्लाह। बात नहीं, हमें ईदियों से ज्यादा आपसे बात कर लेना ही हमारे लिए ईदियों। हे स्वीट आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। रूबी शकील हमारे साथ है, क्या बात करेंगी? रूबी शकील से बहुत सारी ढेरों बातें करने वाली। अच्छा जी बिल्कुल पूछे। सबसे पहले तो माशाल्लाह ये पर्सनैलिटी वाइज बहुत खूबसूरत गुड लुकिंग और आज का ड्रेस तो सोने पे सुहागा लग रहे हैं। शुक्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रूबी शकील बात करने का मकसद यही है, इतनी ज्यादा तारीफें करूंगी कि आपका दिल चाहेगा ये सूट आप मुझे गिफ्ट ही कर दो। बिल्कुल जी सर, आंखों पे ऐसी क्या बात है। मैंने ये आपसे बात करनी थी कि रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में है आउटलेट? जी इस्लामाबाद में ये है कि अभी आउटलेट तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि इस्लामाबाद और लाहौर मेरे कपड़े यहाँ कराची से जाते रहते हैं। लेकिन रूबी मुझे ये था कि साइज का और सबका आप देख के जो बात कर सकोगे कि जो चीज सूट करे, जो चीज डिजाइन कर सके। और आप एक काम कर सकती हैं ना, आपके आप वेबसाइट मेरी चेक कर लीजिएगा तो उसमें ये है कि जो आपको नए ड्रेसेस पसंद आ रहे हैं मेरे तो बेशक आप ऑर्डर कर सकती हैं, या शाइस्ता जो रोज पहनती हैं वो तो मुझे ये था कि बजट के अंदर रह के काफी मुश्किल है एवरेज लोगों के लिए ना। वो तो फिर हम देखें कोऑर्डिनेट कर लेंगे आपस में, वो तो देखे ना। आपको ये कहा जा रहा है कि आप स्क्रीन पे जो नंबर्स चल रहे हैं आप इन पे नंबर करके कॉल कांटेक्ट करें, अपने बारे बताइए कि आप क्या चाह रही हैं, किस तरह चाह रही हैं, फिर आपको आपके बजट के मुताबिक वो तो वर्कआउट कर सकता है इंसान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थ्रू आउट पाकिस्तान अगर कोई इन ड्रेसेस को लेना चाहता है, बात करना चाहता है अपनी ईद की, ईद के बाद आने वाली बहुत सारी शादियां जो आपकी फैमिली में, उनकी तैयारियां करना चाहता है तो बिल्कुल करें। मैं भी बहुत जल्द एक बड़ी अच्छी चीज अनाउंस करने वाली हूँ, लेकिन अभी नहीं, रमजान शुरू होने उसके बाद। ठीक है हम एक ब्रेक ले लें? बिल्कुल जी बिल्कुल। वैसे कभी सोचा है कपड़े बनाते बनाते मैं ब्रेक भी ले सकती हूँ? अगर आपसे कह दूं ब्रेक, मुझे ब्रेक की सख्त जरूरत है, वैसे सख्त जरूरत है तो थक जाता है ना, ना मेरे लिए मेरे कपड़ों में ब्रेक नहीं आने वाली, आपके कपड़ों में नहीं आ सकता। अच्छा ब्रेक ले आप, आज ब्रेक आप ले, किस तरह से लेते हैं जी। चलें जी एक ब्रेक पे चलते हैं हम, फिर ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। कपड़े
गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ तो मुझे बताइए जी, वंस अगेन वेलकम बैक, रूबी शकील हमारे साथ हैं आज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, और आप इन्हें कॉल भी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कपड़ों के हवाले से कोई टिप्स भी लेना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं कि आप इस तरह की आपकी फिगर है, इस तरह का आपका हाइट है, किस तरह के कपड़े, किस तरह के कलर्स, तो वो भी जाहिर एक्सपर्ट हैं तो आपको बता पाएंगी। मेरे कपड़ों के हवाले से भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई याद हो आपको फला जोड़ा था तो इन्हीं का होगा तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा हाँ, और आज का फूड फॉर थॉट मैं आपको साथ साथ बता दूँ, बहुत देर हो गई आज बताते बताते, लेकिन कन्फेशन, एतराफ, जिंदगी में बहुत सारे कम ऐसे दिन होते हैं या ऐसी चीजें होती हैं जब हम कोई गलती कर लेते हैं और उसके बाद उसका एतराफ करते हैं। तो आज चूंकि वैसे भी रमजान कल या परसों से जाहिर शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, तो हमने सोचा कि इससे पहले कि उस बाबरकत महीने में हम कदम रखें, चलें जो गलतियां की हैं और दिल में चोर है उस गलती का एतराफ करें। 2791 पर अब जिसको आप सुनाना चाहते हैं वो स्क्रीन के थ्रू सुन भी लेगा और आप कन्फेस कर भी पाएंगे। So let's start doing it by your mobile, through your mobile, by sending us messages at 2791. और इसके अलावा साथ साथ रूबी शकील हमारे साथ हैं, कॉल्स। अच्छा, मिसेस साजिद की, अस्सलाम वालेकुम मिसेस साजिद। अस्सलाम वालेकुम शायस्ता, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आई लव यू, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत जबरदस्त माशाल्लाह लग रही हैं दोनों दोनों जबरदस्त। वालेकुम रूबी शकील। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ क्योंकि शाइस्ता के हवाले ही से आपको हमने पहचाना है। चले जी, ये कितनी बड़ी बात है, ये क्रेडिट गोज टू शाइस्ता जी, बिल्कुल, क्योंकि वो जो है ना एक बार्बी डॉल गुड़िया बन के सामने आती है हमारे, बिल्कुल सही बात है, उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि इस ड्रेस को किस तरह कैरी किया जाए जी, किस तरह से। अच्छा मिसेस साजिद, आप लोग जब भी कॉल्स पे आते हैं तो मुझसे तो जरूर कहते हैं उठ के दिखा, आज इनसे नहीं कहेंगे उठ के दिखा, मैं ना उठ के दिखाऊं तो बेहतर है, आई थिंक नहीं आप उठ में उठूंगी ना कोई जोड़े को ऑर्डर नहीं देगा क्योंकि शाइस्ता तक ही रहने दे भाई नहीं, 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 ये ना मेरा वेट ज्यादा हो गया। ये माशाल्लाह इतनी गुड लुकिंग है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह मियां नजर ना लगाए, और मैं ये कहती हूँ कि हर खातून को अपने लिए कुछ ना कुछ इस तरह का अपने आप को ड्रेसअप करना चाहिए। बिल्कुल जी, क्यों नहीं करना चाहिए जी। और मेरी आपसे बड़ी एक रिक्वेस्ट है क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है ईद पे, मैं अपनी बेटी के लिए आपका डिजाइन किया हुआ ड्रेस चाहती हूँ, तो मुझे प्लीज एक तो ये बताइए किस तरह, वो शाइस्ता से भी थोड़ी स्लिम है। अच्छा, तो मैं मुझे माशाल्लाह ये बहुत प्यारी लगती है और मैं हर ड्रेस को सोचती हूँ कि अच्छा ये वाला मेरी बच्ची पे भी बहुत प्यारा लगेगा। कितनी प्यारी बात है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपसे कांटेक्ट किस तरह करूँ, और मुझे ईद पे उसके लिए जरूर आपसे चाहिए, आपसे टाइम निकालना है मेरी बच्ची के लिए। हाँ जरूर, नहीं नहीं इंशाल्लाह ताला जी जरूर, आप मुझे कांटेक्ट करें मेरे नंबर पे जी, फिर इंशाल्लाह ताला मैं जरूर डिजाइन करूँगी। अच्छा एक सवाल और करना चाहूंगी जी, जो ड्रेसेस होते हैं तो इनमें हम फैब्रिक जो है वो आपको अगर अपना फैब्रिक दे के कुछ सिलवाना चाहें तो ऐसा भी हो सकता है? नहीं जी, फैब्रिक्स जो होते हैं वो मेरे अपने होते हैं। अच्छा, फैब्रिक्स मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ही यूज करूँ, बिकॉज मुझे पता होता है कि डिजाइनिंग में किसके ऊपर कौन सा फैब्रिक अच्छा लगेगा। जैसे शाइस्ता है तो इनका मुझे मालूम है शाइस्ता के भाई ये इस फैब्रिक को कैरी कर सकती हैं आसानी से, तो वो मुझे फिर दिमाग में रखनी होती हैं बातें। ठीक है, एक चीज और पूछूंगी कुछ जी, आपकी स्टार्ट कॉस्ट किस तरह से स्टार्ट होती है? थोड़ा आप मुझे कॉल करें, मैं इंशाल्लाह आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, आई एम श्योर के आप जरूर बनवा पाएंगी, और मिसेस साजिद मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपने अपनी बेटी का बनाया ड्रेस और उसके बाद आप मुझे जरूर बताएं ताकि मैं अपने प्रोग्राम में बताऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपकी बेटी कोई भी रूबी शकील का ड्रेस पहनेंगी। तो एक और कॉल लेते हैं, किसकी? सादिया। अस्सलाम वालेकुम सादिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, आप सुनाए? यार मौसम कितना अच्छा हो रहा है, कराची से कॉल करी हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी बेटी को छोड़ने गई थी।